हाँ तो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा है एल ग्लूकोज। बच्चों जब भी किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी कंपाउंड का एल कॉन्फ़िगरेशन आपको जानना हो तो हर हमेशा उसका सबसे पहले डी कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहिए, क्योंकि डी और एल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। डी और एल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये होता है बच्चों सी एच ओ, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सी एच टू ओ एच ले लेंगे, दो हो गया, बीच में इस तरह से चार लाइन आएंगे, 1 2 3। तीसरे पर ओ एच जो है लेफ्ट हैंड साइड में होता है और बाकी सब में ओ एच जो है राइट हैंड साइड में होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज। अब इसका मिरर इमेज तो देखिए, दूसरे पर ओ एच राइट में दिख रहा है तो ओ एच लेफ्ट में दिखना चाहिए, यहाँ दिख रहा है ना, तो इसमें दिख रहा है और ना तो इसमें दिख रहा है, ठीक है। तीसरे में देखिए ओ एच लेफ्ट में है तो राइट में दिखना चाहिए, है। चौथे पांचवे में देखिए ओ एच लेफ्ट में चला गया, ठीक है, तो यही है, तो यही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। फिर से हमसे पूछा है एल ग्लिसरल डिहाइड। तो ग्लिसरल डिहाइड पूछा है तो सबसे पहला नंबर बच्चों ग्लिसरल डिहाइड का ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसा होगा, सी एच टू ओ एच, तीन कार्बन होते हैं इसके अंदर, और एल ग्लिसरल डिहाइड में बच्चों ओ एच जो है लेफ्ट हैंड साइड में होगा और हाइड्रोजन, और इस तरह से ऊपर से नीचे नंबरिंग करेंगे आई यू पी एस सी के अकॉर्डिंग। अब गौर से देखिए यहाँ पर, तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें ये देखिए सी एच ओ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो ओ एच है ये यहाँ पर है, ठीक है, तो ओ एच और ये सी एच टू ओ एच जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर सी एच टू ओ एच को हर हमेशा हमें नीचे लाना होगा, तो नीचे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कायरल सेंटर के हिसाब से आप दो स्विचिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप इन तीनों को जो है ना ऐसे करके रोटेट कर दीजिए। तो जैसे ही आप रोटेट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रोटेट करेंगे तो हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर, ओ एच जाएगा लेफ्ट में और सी एच टू ओ एच आ जाएगा नीचे, समझ में आई बात, ठीक। वैसे ही यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहला नंबर हमें दो स्विचिंग मारना होगा इसमें, ठीक है। तो दो स्विचिंग मारने के लिए सबसे पहला नंबर तो हम क्या करेंगे, सी एच ओ को ऊपर ले जाएंगे और हाइड्रोजन को नीचे लाएंगे, ठीक है। तो देखिए सी एच ओ को ऊपर ले जाएंगे और हाइड्रोजन को नीचे लाएंगे, ठीक। ये दोनों का आपस में इंटरचेंज किया और उसके बाद ये यहीं पर आ गया और यहाँ पर ये रह गया, ठीक है। और एक स्विच और मारना पड़ेगा तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो जैसे ही इसको इंटरचेंज करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ओ एच लेफ्ट में ही रह गया, हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया और सी एच टू ओ एच नीचे आ गया, तो फिर से वही कन्फ्यूगरेशन मिल गया कि नहीं। तो बेसिकली ये भी एल ग्लिसरल डिहाइड है और ये भी एल ग्लिसरल डिहाइड है, और इसको करना कुछ भी नहीं बच्चों, इसको 180 डिग्री से घुमा दीजिए। जैसे ही 180 डिग्री से घुमाओगे तो ये जो ओ एच लेफ्ट में दिख रहा है ये ओ एच राइट में चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर और नीचे में सी एच टू ओ एच, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको देखोगे तो ये डी ग्लिसरल डिहाइड है, तो ये नहीं हो पाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी, बोथ है एंड बी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। 32 में हमसे बोला गया है कि इसका इनॉल फॉर द गिवेन इज इनॉल फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म किसका है, ठीक है। तो ये बच्चों इनॉल फॉर्म जो है ग्लूकोज का भी हो सकता है, मैनोज का भी हो सकता है और फ्रुक्टोज का भी हो सकता है, मतलब ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर। अब सवाल उठता है कैसे। अब देखिए सबसे पहली बात जो है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में, ठीक है। तो ग्लूकोज में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब टोटोमेराइजेशन होगा इस वाले, देखिए यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा और ये ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मैनोज में क्या होता है, मैनोज में सेम टू सेम स्ट्रक्चर होता है, बस ये जो ओ एच राइट में है ये लेफ्ट में दिखता है ओ एच और ये, तो टोटोमेराइजेशन के बाद सेम टू सेम इनॉल फॉर्म आपको दिखेगा। फ्रुक्टोज में क्या होता है, तो फ्रुक्टोज में ऊपर में सी एच टू ओ एच और दूसरे वाले में सी डबल बॉन्ड ओ और नीचे में फिर आर, ठीक है। जब इसका टोटोमेराइजेशन यहाँ वाले हाइड्रोजन को तोड़ के करेंगे तो ये इनॉल फॉर्म यही बनाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तीनों के तीनों
यही इन ऑल फॉर्म बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 में बच्चों बोलता है कि ये जो ग्लूकोज है इसका OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम में, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज का जब हम बेसिक मीडियम लेते हैं तो ऐसी स्थिति में ये क्या होता है, टोटोमेराइज करता है। ठीक है, तो टोटोमेराइज करने के बाद जो है ये आपको दो प्रकार के कंपाउंड दे सकता है। ठीक है, मतलब दो प्रकार के कंपाउंड में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एक कंपाउंड तो हो जाएगा इसका मैनोज होगा और दूसरा होगा बच्चों फ्रुक्टोज होगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए जो ऊपर वाला CHO है, ऊपर वाला जब CHO है नीचे वाले में यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा C, यहाँ पर देखिए OH है और ये है, तो सबसे पहला नंबर पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में तो आपको यहाँ से क्या करना है, इसको टोटोमेराइज करके इस तरह से बना देना है CHOH और नीचे में डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों OH। अब जैसे ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया ये वाला कार्बन, तो इस OH को हम राइट में रखें लेफ्ट में रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लेनर हो गया है पूरा, समझ में आई बात। ठीक है, और फिर जब ये वाला OH टोटोमेराइज होगा तो ये क्या फ्रुक्टोज में भी तो बदल ही जाएगा ना डबल बॉन्ड O होने से। ठीक है, तो ये आपको मैनोज और फ्रुक्टोज दोनों स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ए और बी में एक मैनोज मिलेगा और एक फ्रुक्टोज मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 में स्टीरियो आइसोमर ऑफ एल्डो हेप्टोज, तो देखिए एल्डो हेप्टोज पहले बनाते हैं यहां से, ये हो जाएगा नीचे में CH2OH ले लेते हैं तो दो हो गया, बीच में कितने कार्बन आएंगे ऐसे ऐसे करके पांच आएंगे, 1 2 3 4 5 आ गया, और 5 और 2 7 हो गया। अब गौर से आप देखिए बच्चों, तो ये सारे के सारे कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, तो जितने कायरल का नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना हो गया 5, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा 2 to the power 5। ठीक है, ऐसे ही अगर कीटो हेप्टोज में बात करेंगे तो कीटो हेप्टोज में आप जानते हो कि ऊपर में क्या होता है CH2OH, फिर अगला क्या होता है C डबल बॉन्ड O, उसके बाद सबसे नीचे क्या होता है CH2OH। ठीक है, तीन कार्बन तो हो गया ना, तो बीच में बाकी कितने आएंगे, 4 ही तो कायरल कार्बन आएंगे, इसका हम लोग 2 to the power 4 स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, N = 4 आ गया, नंबर ऑफ स्टीरियो स्टीरियोजेनिक सेंटर 4 आया, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 to the power 4, तो इधर देखिए 2 to the power 5 और इधर मिला 2 to the power 4, कट कट आके क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज में जब HNO3 के साथ जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है ऑक्सीडेशन करते हैं, तो बच्चों ये ऊपर वाला जो CHO है, ठीक है मतलब एल्डिहाइड, और नीचे वाला जो CH2OH है, ये दोनों के दोनों COOH में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और बीच वाले जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे, मतलब बीच वाले जितने भी अल्कोहल हैं वो सारे के सारे 2 डिग्री वाले अल्कोहल हैं, तो वो ऑक्सीडाइज भी होगा तो कीटोनिक फॉर्म में होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि केवल एल्डिहाइड और टर्मिनल अल्कोहल का 1 डिग्री वाले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है और इन दोनों को COH में कन्वर्ट करके डाई बेसिक एसिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और उसका नाम होता है बच्चों सैकेरिक एसिड, क्या होता है सैकेरिक एसिड, और सैकेरिक एसिड देखिए आप ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ग्लूकेरिक एसिड, तो बेसिकली ये जो ग्लूकेरिक एसिड है ना ये सैकेरिक एसिड का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, अपने नोट्स में लिख लेना है कि सैकेरिक एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकेरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे पूछा गया है डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज, तो ग्लूकोज का मतलब आप जान रहे हो कि ये क्या है एल्डिहाइड से बिलोंग कर रहा है, एल्डिहाइड फैमिली का सदस्य है। ठीक है, और फ्रुक्टोज का मतलब हो गया ये कीटोन फैमिली का सदस्य है। ठीक है, कीटोन फैमिली का सदस्य है, कीटोज है एक प्रकार से, और ये क्या है एल्डोज है, तो कहता है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किससे कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करने का मतलब यह होता है बच्चों की किससे, मतलब कोई एक ऐसा रिएजेंट बताइए जो एक से रिएक्शन करे और एक से रिएक्शन नहीं करे, तो आपने पढ़ा होगा ब्रोमीन वाटर के बारे में। ठीक है, ब्रोमीन वाटर क्या करता है ये CHO को ऑक्सीडाइज करके ये COH में कन्वर्ट कर देता है, कहने का मतलब ये जो एल्डोज है ना एल्डोज उसका तो ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, और उसको एसिड में कन्वर्ट करता है,
लेकिन कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन होता है, समझ में आई बात। बाकी फेलिंग, टॉलेंस, बेनेडिक, ये तीनों के तीनों जो है इन तीनों को ऑक्सीडाइज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ जो फ्रुक्टोज है ये टोटोमेराइज होकर जो है टर्मिनल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए बात को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्यों, ब्रोमीन वाटर एल्डोज के साथ रिएक्शन करता है और कीटोज के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। 38 के बारे में अगर हम बात करें तो डी माइनोज दिया हुआ है, और डी माइनोज लिया हुआ है वही बेसिक मीडियम लिया हुआ है, ठीक है। और बेसिक मीडियम में ये क्या होता है, टोटोमेराइज होता है, टोटोमेराइज होकर और फिर ये डी ग्लूकोज बनाया है, और डी ग्लूकोज से फिर मतलब बेसिक मीडियम लिया हुआ है, बोलता है कि ए, तो बताइए ए क्या मिलेगा, तो ए जो है आपको फ्रुक्टोज मिलेगा, और क्या, फ्रुक्टोज मिलेगा। नहीं समझे बात को भाई, बेसिक मीडियम में ये क्या होता है, एक दूसरे से एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो टोटोमेराइज होकर कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ से जैसे देखिए, मान लीजिए ये ग्लूकोज और ये देखिए OH है यहाँ पर, और ये ले लिया और नीचे में R ले लिया, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये वाला टोटोमेराइज होकर सबसे पहला नंबर जो है CHOH, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड C और यहाँ पर जो है OH कर दीजिए ऐसा, और नीचे में R है। अब आप इसको ग्लूकोज बनाना चाहो तो ग्लूकोज बना सकते हो टोटोमेराइज करके, अब आप इसको चाहो तो फ्रुक्टोज बना सकते हो, ठीक है, जो आप चाहोगे वो चीज़ आप बना सकते हो, ठीक है। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है कि डी माइनोज बेसिक मीडियम में टोटोमेराइज के करके डी ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज भी टोटोमेराइज करके क्या बनाता है, तो फ्रुक्टोज में, तो मतलब ये तीनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।